संविधान बनाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, जबकि इसी संविधान की धारा 19(1) कहती है कि भारत का नागरिक कहीं भी जमा हो सकता है। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, लेकिन अफसोस आज जब हम ये देखते हैं तो एक ही चीज लगता है, मेरे भी बच्चे हैं, आप लोग के भी होंगे, मुझे लगता है कि मैं जाऊं घर में और उनको सैल्यूट करूं, क्योंकि जो समाज हमारे बाप दादाओं ने हमें दिया था, अब वो समाज हम उनको नहीं दे पाएंगे। और उनके ऊपर जो बोझ आएगा इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। अभी जब इस देश में संविधान फंक्शनिंग है, संविधान लागू है, तो ये हाल है। आप ये बताइए कि अगर हम इसकी रक्षा करना छोड़ दें, इस पर बातचीत करना छोड़ दें, तो हमारी आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ, अभी बहुत कम भीड़ है यहाँ पे, लोग ये भी कहेंगे कि प्रोग्राम में बहुत कम लोग थे, लेकिन कभी भी क्रांति ज्यादा लोग नहीं लाते हैं, कुछ ही लोग जमा होते हैं और उनसे आगे चल के क्रांति पैदा होती है। अब जब हम देखें, यही अगर मुशायरा होता तो मजा आ जाता। नहीं, इकरा पे लब्बैक कहने वाली कौम आज मुशायरे पे झूमने लगी है, तो इसकी क़यादत अब कोई कव्वाल करेगा, कलाम नहीं। ये बात आप जानिए, ये सोचने की बात है कि आज जब नक्शा लेके हर बच्चा है हैरान और सोच रहा है कैसे खा गई इस हिंदुस्तान, कैसे खा गया दीमक इस हिंदुस्तान को, ये सोचने की बात है। जो आज हम लोग सियासत में, सियासत से जो उम्मीद करते हैं, आप शुरू कीजिए अपने घर से, अपने समाज से, और देश तक जाइए और देखिए कि जो हमारे आज रहबर हैं, क्या हम वो डिजर्व करते हैं। जो चीज हमारी जिंदगी के हर पहलू पे नजर रखती है, आज उस तरफ हमारा कोई नजर नहीं है। इस देश को बनाने में जो मुसलमानों का योगदान रहा है, आज मुसलमान संविधान पर प्रोग्राम करने में भी डरने लगा है। तो ये सोचिए, ये देश कहाँ जाएगा, ये मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आप, मैं इस इलाके में हूँ, जो हम लोग संविधान पे बात करते हैं, सरकार से नहीं मिला तो एक और विधान है जो हमारे बीच चलता है। मैं कैलकुलेट कर रहा था ऐसे ही कि सोचिए, इस इलाके में 17 लाख आबादी रहती है, हर लोग कम से कम 40 रुपया जरूर निकालते होंगे घर से। 17 लाख को 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 करोड़ पार कर जाएगा। और यही जो इस दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो 36,000 है मिनिमम, जो लोग शो करते हैं, उसका 2.5% निकालिएगा तो 100 करोड़ पार कर जाएगा। और दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तो इस देश के हर बच्चे को एक पेंसिल जरूर दे दीजिएगा, इतना पैसा है, 125 करोड़ से ज्यादा पैसा आ जाएगा। लेकिन आज देखिए, मैं बोलूंगा बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाई की है और पढ़ाई का मकसद है सवाल करना, पढ़ाई का मकसद पैसा से कभी नहीं है, वरना मुकेश अंबानी पीएचडी होते और उनका बच्चा एमफिल कर रहा होता। पढ़ाई का मतलब है आप तर्कपूर्ण सवाल करते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूं, पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब कुरान ने वादा कर दिया कि हमें किन लोगों को पैसा देना है, नमाज पढ़ने में कुरान में नहीं लिखा हुआ है कि कैसे नमाज पढ़ना है, और लेकिन फितरा किसको देना है, जकात किसको देना है, कैसे देना है, तहकीक करके देना है, वो सब हम लोग भूल गए। आज समझिए कि यही 125 करोड़ रुपया अगर इसी समाज में लगा होता जो इस्लाम कहता है, जो कुरान कहता है, तो हम लोग कहाँ होते। आज सारे लोग, जितने बुद्धिजीवी है, कहा जाता है कि जामिया नगर में हिंदुस्तान का सबसे बुद्धिजीवी मुसलमान रहता है। आप ये सोचिए कि आप एडमिशन कराने में भी घुस देते हैं, और हराम कमाने और हराम खर्च करने में हम लोग सब आगे हैं, तो कैसे खालिद बिन वलीद पैदा लेगा, ये सोचने वाली बात है कि नहीं। जब आपकी शुरुआत ही गलत से होती है, हम जो हमारी जिम्मेवारी है उसको हम एहसान समझते हैं, जो हमें लोगों के लिए करना चाहिए उसको हम समझते हैं कि एहसान करते हैं। मैं इसीलिए आपको शुरू में कहा था, 2 लोगों को सैल्यूट करने की जरूरत है, एक अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को, और दूसरा जो राजनीति कर रहा है। ये आप जान लीजिए, आप राजनीति करने वालों से नफरत करते हैं। लोग, कई लोग कहते हैं कि 125 रुपये का जो आवासीय बनता है गाँव में, वो नेता लोग 150 रुपये में बनाता है, 25 रुपये खा जाता है। आप ये समझिए, जो ईमानदारी से राजनीति करेगा उसका घर कैसे चलेगा।
आपने कभी नहीं सोचा कि 2 रुपए का पैकेट आपसे आलू खरीद के 10 रुपए में दे देता है, वो गलत नहीं कर रहा है। जो कंपनियां फंड करती है, आप ईमानदारी से सोचिए कि हमारे संविधान हमारा कानून नहीं तय किया है कि 72 लाख रुपए 70 लाख भैया ये लोकसभा चुनाव लड़ने में 70 लाख रुपए ना येलो 70 लाख आप मैक्सिमम खर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि 70 लाख कौन लोग खर्चा कर सकता है। वोट का अधिकार सबको है, चुनाव सब नहीं लड़ सकता, इनडायरेक्टली यही है। आप ये जानिए हम में से कितने लोग हैं। मैं जब पॉलिटिकल साइंस बीए में था तो मुझे पूछा गया कि बीए पॉलिटिकल साइंस क्यों कर रहे हो, तो हमने कहा राजनीति करेंगे, तो राजनीति करने के लिए बीए करने की क्या जरूरत है, राजनीति करने के लिए जाओ मर्डर करो, घुसखोरी करो, दलाली करो, राजनीति करो। हमने कहा कि हम पढ़ लिख के जाहिलों को सरदार नहीं मानेंगे, चाहे दुनिया हमें कुछ भी कर ले, हम पढ़ेंगे और जितना वक्त मिलेगा उतना हम राजनीति करेंगे, और जिसके पैसे से राजनीति किए हैं, जो हमने पढ़ा है वो उनको बताएंगे। और आप यहीं से देखिए कि जो जिसके पैसे से राजनीति करता है वो उसी का काम करता है। तो हम लोग किसी एमपी एमएलए सीएम पीएम को क्यों गाली बकते हैं। दूसरा सवाल आता है शिक्षा पे। शिक्षा जो 2 तरह से है, एक तो है कि 0 से 6 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि आप 0 से 6 तक के बच्चों को आप शिक्षा और स्वास्थ्य की तमाम फैसिलिटीज मुहैया कराएंगे, और आगे फिर है 6 से 14 में संविधान की धारा 21A के तहत। आप ये बताइए, आज सवाल सब लोग पूछते हैं कि पीएचडी 30 साल में क्यों करते हो, कई लोग देखे जाइए प्रोफाइल देखिए गूगल सब बताता है। शिक्षा मंत्री 26-27 साल में एमए किए हैं, देखा है कि नहीं, 26-27 साल में उन्होंने एमए किया है, और हम 30-32 साल में पीएचडी करते हैं तो उनको सीना पर सांप लौटने लगता है कि इतना बुढ़ापा हो गया पढ़ रहा है। हम जो पढ़ते हैं हमें चाहिए कि कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हम अपने ही पैसों से कोई ऐसा एक सिस्टम डेवलप करें। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम हमको नहीं दिखता। मैं 14 साल से यहाँ हूँ, कहने को वनवास हो गया है मेरा, 2005 में मैं आया था आज 19 है, लेकिन कहीं आपको नहीं लगता, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, अब मैं सोचता हूँ कि उसको पढ़ाऊंगा तो घूस देना पड़ेगा तभी पढ़ा पाएंगे, वरना 4,000-5,000 कहाँ से हम पैसा लाएंगे। कम्युनिटी स्कूल आपने बनाया नहीं, प्राइवेट स्कूल के प्रांगण में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, आप बगल में जामिया है, कोई ऐसा रिसर्च नहीं है। सरकार जो आप पे इल्जाम लगाती है आप मान लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मुस्लिम इन नेशन बिल्डिंग पे कोई प्रोग्राम नहीं है आपका। आपने अपने जनरेशन को धुंधला इतिहास बताने लगे हैं, तो आप ये समझिए आपकी अगली जनरेशन अंधी पैदा लेगी। फिर इल्जाम सरकार पे नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपने कोई इंतजाम नहीं बनाया है। राजनीति में आप जो राजनीति करते हैं उससे आप नफरत करते हैं, तो आप ये समझिए कि कल को कोई राजनीति में नहीं आएगा। इस प्रोग्राम कराने में जितनी दिक्कत हुई है समझिए, हम लोग सोच रहे थे कि एकदम एक पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, राजनीतिक लोग को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको फिर देखना चाहिए कि राजनीतिक लोग अगर आपके बीच में नहीं होंगे तब प्रोग्राम नहीं करा पाएंगे। तभी हम लोगों ने प्रवेश भाई को कॉल किया कि देखिए हमको परमिशन नहीं मिल रहा है, और उन्होंने जो योगदान दिया हम चाहेंगे कि आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें कि उनके उन्होंने हमें फिर लीड किया और बताया। कई लोग थे जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्होंने भी अपना योगदान दिया, तब ये प्रोग्राम आज हो पाया है। आप ये समझिए इतने मुश्किल दौर में है, लेकिन मैं अक्सर एक चीज कोट करता हूँ, साथ साहब का 4 लाइन है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाओ, सब मिलकर आवाज उठाओ तो साहब पे रोब मिले, हम तन्हा जुगनू है हमारे जगवाने से क्या होगा। सब मिलिए, नहीं तो आगे पता है क्या होगा कि आप शादी ब्याह भी करेंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा, आप रिश्तेदार के यहाँ भी जाएंगे तो परमिशन लेना पड़ेगा। और सियासत तो खैर छोड़ ही दीजिए, सियासत को हमने गलत समझ ही लिया है। जो लोग ये कहते हैं आज कि हमको सियासत से नफरत है, ये समझिए कि वो अपने मुस्तकबिल को जहन्नम में भेजने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप अपने मुस्तकबिल को गर्त में भेज रहे हैं। आज कोई आता है आपके बीच और आपको बताता है कि हमने ये खरीदा, ये खोला, ये बनाया, आप मान लेते हैं, आप जाइए मैं अपने बच्चे का, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स है मैं अपने बच्चे का सरकारी अस्पताल में इलाज कराता हूँ, टीका नहीं मिलता है वहाँ, प्राइवेट में मिल जाता है, सरकारी में नहीं मिलेगा। आप जाइए अभी मोहल्ला क्लिनिक खुला है ना, आप जाइए मजा ले जो महंगा टीका मिल जाए, मजा ले जो महंगा आपका जाँच हो जाए। ये जो चूचू का मुरब्बा हमको दे के बोलता है चूसते रहो, और फिर चुनाव के वक्त में हम लोग बिना किसी रिसर्च के, क्योंकि हमारा पढ़ाई नहीं है, हम पहली वो कौम है जिसको पहले पढ़ने बताया गया था और हमने समाज से जुड़ी हुई चीज को पढ़ना ही छोड़ दिया है, सब अपने अपने जीवन में बिजी हैं। तो
आपका कोई अब सिस्टम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? हम लोग कुछ भी करना, चुनाव से 3 महीना पहले लगेगा कि जबरदस्त है सरकार चली जाएगी, कोई अच्छी सरकार आएगी, चुनाव के बाद फिर कोई भी आएगा वही काम करेगा। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो संविधान जो हम लोग मना रहे हैं, इसमें आप पढ़िए कि कौन कौन लोग संविधान सभा में थे। हमने हसरत मोहानी का बर्थडे लोग भूल गए, अपना बर्थडे सबको याद है, किसी को हसरत मोहानी का बर्थडे याद नहीं होगा, हालांकि 1 जनवरी को ही है, 7 में भी मना सकते हैं हम लोग। मौलाना आजाद ने जो इस देश के लिए किया वो हम लोग को नहीं पता है। मौलाना आजाद को प्राइवेट स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने घर में ही तालीम ली थी, क्योंकि घर पहले वैसा हुआ करता था। आज हमने घर को सिनेमा घर बना दिया, मिनी सिनेमा घर, टीवी का जो वो क्या नाम है, इंची नापता कि किसके घर में कितना इंची का टीवी है। तो आपका बच्चा क्या करेगा? टीवी देखेगा, टीवी देखेगा तो फिर जैसे वहां पे अपना जो जिस तरह से बात करते हैं वो लोग गार्जियन से, वो काम करेगा। तो हम कितना भी कर लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ जरा सोचने के लिए, हमारी बात गलत लगे तो मैं शाहीन बाग जामिया नगर में आपको दिन भर मिल जाऊंगा, कभी भी रोक के आप हमको पूछ सकते हैं। मेरा मानना है कि ये प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल होगा जब यहाँ से निकलिए। मैंने कुछ लोगों को कहा है कि पढ़ने के बाद जो मेरा टाइम बचेगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, आपको ऐसी एक कमेटी बनाइए, कम से कम जो हम पे इल्जाम लग रहा है उसी के बारे में हम रिसर्च करके डेटा लाएं, कम से कम हम पब्लिक को बताएं कि हम वो नहीं है, हम इस देश के मुसलमानों ने सबसे ज्यादा इस देश में कुर्बानी दी है, रानी लक्ष्मीबाई के बच्चों को हमने पाला है, उनके सैनिक के सिपे सालार हम लोग थे, हमें पहले मार गई रानी लक्ष्मीबाई को हराया है अंग्रेजों ने, हम वो लोग थे जो दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दिए, जो देश की रक्षा के लिए, इस देश में जो लिविंग लीजेंड थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, सबसे ज्यादा यातना जेल में हसरत मोहानी को हुई है और हम लोग उनको जानते भी नहीं, उनके बारे में बहुत कम लोग होगा जो जानते हो। यही जो आपका सिस्टम है, जरा एक बार कोशिश करके तो देखिए, एक बार रिसर्च करके तो देखिए, एक बार पब्लिक में डिस्कोर्स तो आने दीजिए, तब ना आपका जानेगा। आज आपका इतिहास आपका बच्चा भी नहीं जानता, तो दूसरे के बच्चे से कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ आए हैं। और जानिए, देश को कम्युनल नहीं हुआ है, यकीन मानिए, जब तक इस देश में संविधान रहेगा देश कम्युनल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात और बताइए कि MLA MP हम लोग धर्म पे ढूंढेंगे, अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब लोग कहां से लाएंगे? हो सकता है, क्योंकि वही MLA, कोई MLA सब मिलके एक मुख्यमंत्री बनेगा, MP सब मिलके प्रधानमंत्री बनेगा। तो जब आप अपने धर्म से MLA MP ढूंढ के मुख्यमंत्री सोचते हैं सेकुलर हो जाए, तो अगला भी अपने धर्म पे अगर MP MLA ढूंढता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? आप ये सोचा है कभी कि आपको भी वही चाहिए? आपने कभी कैंडिडेट को देखा ही नहीं, और कैंडिडेट हम लोग चुनने की हैसियत भी नहीं रखते। कोई ऊपर से नेता होगा 10 करोड़ लेगा, वो जिसको टिकट देगा उसको हम लोग वोट देने के लिए मजबूर होते हैं। कभी निर्दलीय कैंडिडेट को MP का चुनाव जीतते देखा है? आज के दौर में कोई नहीं जीत सकता जितना भी काम कर ले। हम जितना, अभी एक मेरे साहब हैं फेसबुक पे बहुत लिखते हैं, उसने एक दिन लिखा ऐसे मजाक में कि यहाँ MLA का चुनाव होने वाला है, क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि पढ़ा लिखा हो, 40 साल से कम हो, समाज में जितना हैसियत हो वो योगदान देता रहे। मैंने कहा कि मेरे पे क्या विचार है, हम PhD कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र से हैं, पढ़े लिखे भी हैं, हर मुसीबत में मिल जाते हैं, तो फिर अगला डिस्कशन ही बंद हो गया। समझ रहे हैं? जब आप पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट नहीं कीजिए, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, ये मान लीजिए मेरी औकात नहीं है चुनाव लड़ने की, तो मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक क्राइटेरिया तो सेट कीजिएगा ना, कि कम से कम मिनिमम इस क्राइटेरिया पे जो होगा, क्योंकि ये जामिया नगर है, मिनिमम इस क्राइटेरिया में जो खड़ा होगा उसको हम वोट देंगे। कि हम अगर पैसा से वोट लेंगे तो 500 रुपया खर्चा करके आपका वोट ले लेगा। मैं चुनाव, क्योंकि दूसरे के चुनाव में मैंने मदद की है तो मुझे पता है कि चुनाव बिना पैसा का आप जीत नहीं सकते, तो आपका कोई भी काम नहीं होगा, ये आप जानिए। इतने लोग आज यहाँ से ये अर्ज करके जाए कि 2 लोग का हम सम्मान करेंगे, एक अपने ही बच्चों का और दूसरा जो राजनीति कर रहा है। आप जब तक उसका सम्मान नहीं कीजिएगा, उसको आगे नहीं बढ़ाइएगा, ईमानदार लोग राजनीति में आएगा नहीं। एक बताइए कि बबूल का पेड़ से हम आम उम्मीद करेंगे, वो संभव है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको अगर आम का पेड़ लगाना है तो पहले गुठली लगाइए, उससे आम होगा, और तब जाके आपके बच्चे जो हैं वो ये सोचेंगे कि हमारे, हम लोग सोचते हैं अक्सर जब हम लोग बैठते हैं तो सोचते हैं कि यार हम लोग 3-4 लोग से कहां देश बदलने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, बोलिएगा तो मैं कसम भी खा लूंगा, हालांकि झूठा ही लोग कसम खाता है इसलिए नहीं खाऊंगा। मैं ये सोचता हूं कि कल को जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, हम कुछ नहीं करेंगे, झोला टांग कर आ जाएंगे, जिंदगी बीत जाएगी। कल को मेरा बच्चा जब बड़ा होगा ना, सीना ठोक के बोलेगा मेरा बाप लड़ने वालों में से था, भागने वालों में से।